नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। साल 2022 की अमरनाथ यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। यात्रा का पहला जत्था जम्मू से 29 जून को रवाना होना है। शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा से पहले करीब 5000 अतिरिक्त जवान जम्मू में तैनात किए गए हैं। वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जम्मू में क्विक रिएक्शन टीम को भी तैनात किया गया है। यात्रा 30 हमारी जून से स्टार्ट होगी और हमारी 11 अगस्त तक चलेगी। उसमें क्या क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने सहयोग के माध्यम से कर रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या डायरेक्शन हमें मिली हैं, उसमें सफाई हमारी प्रायोरिटी पे है। जल की व्यवस्था, आने वाले श्रद्धालुओं को उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े, ऐसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कार्यरत है। यात्रा 2 साल के बाद हो रही है, कोरोना काल के कारण यात्रा नहीं हो पाई और पूरे देश में और नहीं पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी समाज रहता है, बड़ा उत्सुक है कि इस बार हम यात्रा जाएं। जिस तरह टूरिज्म इस बार बोर हुआ है, बहुत सा टूरिस्ट आया है कश्मीर के अंदर, चाहे जम्मू के अंदर, पत्नीटॉप, कहीं भी कोई कमरा नहीं रहने को मिल रहा है। इस तरह इस बार की यात्रा भी अपने आप में एक हिस्टोरिकल यात्रा होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वच्छ भारत का अभियान चलाया जा रहा था, जिस तरह कुंभ का मेला लगा था वहाँ स्वच्छता का पूरा ध्यान था, उसी तरह उसी भांति आज इस अमरनाथ यात्रा को भी टेकअप किया गया है। देखिएगा, इस बार हमारी अमरनाथ यात्रा को स्वच्छतम यात्रा बनाने के लिए हमारे जो है पूरी कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है और इसी के क्रम में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो हमारे डिफरेंट जगहें हैं वहाँ पर एडिशनल मैन पावर भी लगाई गई है टॉयलेट्स को मेंटेन करने के लिए, और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर एडिशनल टॉयलेट की आवश्यकता थी वहाँ पर प्रीफैब स्ट्रक्चर के टॉयलेट्स भी हमारे द्वारा लगाए गए हैं, जिनकी भी मेंटेनेंस हमारे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ही की जाएगी। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पूरी कोशिश जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से रहेगी कि इस बार हमारी यात्रा पूरी तरीके से लिटर फ्री और गार्बेज फ्री हो। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।